का किसी भी बैंक में अकाउंट है तो वहाँ पे आप लोगों को आधार को अपने बैंक के साथ NPCI लिंक करवाने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों के अकाउंट में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है दोस्तों, ये एक CSP संचालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अगर आप CSP संचालक हैं जो फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक या कोई भी APS सर्विस यूज करते हैं और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि बहुत ऐसे कस्टमर हैं जो दुकान पर आते हैं और ये बोलते हैं कि हमको सरकारी लाभ कोई भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को क्या करना, उसके लिए NPCI आवेदन किस प्रकार से किया जाता है, ऑनलाइन अपने बैंक को NPCI के साथ आधार लिंक किस प्रकार से किया जाता है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने यहाँ पे देख सकते हैं UIDAI के वेबसाइट पर आ जाना है। पहले हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि अगर आप लोगों का लिंक होता तो किस प्रकार से शो करता है, अगर आप लोगों का लिंक नहीं होता है तो किस प्रकार से शो करता है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं माई आधार पे आ जाना है आप लोगों को। पहले आपको UIDAI.government.in पे क्लिक कर लेना है। उनके बाद जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बीच में दिखाई दे रहा है चेक आधार या बैंक लिंकिंग स्टेटस। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक मैपर खुलेगा जिसमें आप लोगों को अपना डिटेल्स फिलअप करना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको शो करेगा आधार लिंकिंग स्टेटस इज फैक्ट फ्रॉम NPCI सर्वर। तो अब यहाँ पे जो भी आधार कार्ड आप यहाँ पे डालेंगे, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमको चेक करना है मेरे आधार के साथ कितने NPCI बैंक लिंक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमको आधार नंबर टैब कर देना है। आधार नंबर टैब करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं जो कैप्चा आप लोगों को सिक्योरिटी कोड दिया जाता है उस सिक्योरिटी कोड को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे आपको ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। हो जाने के कारण ये नहीं गया, तो हम यहाँ पे कैप्चा को फिर से डाल लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे इसका सर्वर खुलता है। तो हम यहाँ पे चलिए सेंड OTP पे क्लिक फिर से कर लेते हैं। फिर से करने के बाद देख सकते हैं OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है। अब OTP को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। OTP यहाँ पे जो मेरे पास आया है उस OTP को यहाँ पे हम दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने शो करेगा कि आपके साथ आपके आधार के साथ कितने बैंक लिंक है और ये सीधे आपको NPCI लिंक है। अगर मेरा कोई भी सरकारी बेनिफिट आता है तो वो मेरे इस अकाउंट में सीधे पहुँचेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिखाया जा रहा है चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका आधार नंबर बैंकिंग स्टेटस शो कर रहा है, लिंक डेट शो कर रहा है, मेरा 2016 में स्टेट यहाँ पे हुआ था स्टेट बैंक। अब यहाँ से आप बैक ले सकते हैं। अब हम आपको बता दें प्रॉब्लम जो आता है कि अगर आपका लिंक नहीं है तो हम आप लोगों को बता दें कि आपको अपने ब्रांच में जाना है, वहाँ से आपको एक फॉर्म लेना है, फॉर्म के साथ पासबुक और आधार कार्ड का फोटो स्टेट लगा करके सबमिट करना है। सबमिट करने के 7 दिन के भीतर आपका NPCI लिंक कर दिया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में नए टॉपिक के।